हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द सेंट्रल मार्केट में आपका स्वागत है। मेरे सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स के कंप्लीट सीरीज में। लेसन 7, व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड हाउ टू डू इट, यानी कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसे कैसे करें, आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानने से पहले समझेंगे क्या है कुछ की पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से हम इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह से हम कंटेंट ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कि किस तरह से हम कंटेंट ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और साथ ही साथ क्या होता है और किसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेप को समझना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये समझने वाले हैं व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आखिर में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे व्हाई इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट, क्यों कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है। देन इसी तरीके से हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ, यानी कि आपके एसईओ के लिए किस तरह से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी, यानी कि अगर हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इसे कैसे करें इसे स्टाइल्स और रीडेबिलिटी तरीके से। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन करने के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को कैसे करें, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर कंप्लीटली ये भी समझेंगे टारगेट कमर्शियल कीवर्ड्स और टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, जिसकी हम हेल्प लेके इजिली तरीके से कंटेंट ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और सही तरीके से सभी चीजों को वेल तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आखिर में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो अक्सर कहा जाता है जो कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंसरिंग दैट कंटेंट इज राइट एंड पब्लिशिंग एंड टेक्निकली बिल्ड सो दैट इट रीचेस द लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल, यानी कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो इंश्योर करती है आपके कंटेंट को लिखने से लेकर पब्लिश करने से लेकर और टेक्निकली उसको बनाने से लेकर सही तरीके से बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसी को हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर और हम सिंपल भी में बात करें तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करती है, उसे कंटेंट कहते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है, इसलिए सर्च इंजन इन्हें समझ सके। यदि आप ऑन साइट एसईओ करना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प ले सकेंगे। साथ ही साथ ये प्रोसेस होती है जो इंक्लूड करता है रिलेवेंट कीवर्ड्स को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, साथ साथ टाइटल टैग्स, लिंक्स, हेडर्स एंड सब हेडर्स को, साथ ही साथ आपकी ऑन साइट स्पीड कैसी है, किस प्रकार का आप सीटी यानी कॉल टू एक्शन का यूज कर पा रहे हैं, इमेजेस साइज किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, और भी अदर फैक्टर होते हैं जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी ऐसे आप कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करें तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमेशा कंटेंट ऑप्टिमाइज में इंक्लूड होती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि रिलेवेंट कीवर्ड्स किस प्रकार के, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल टैग किस तरह का, और साथ ही साथ आप किस तरह की लिंक्स या हेडर ये सब हेडर का यूज कर रहे हैं, ऑन साइट स्पीड कैसी है आपकी, और साथ ही साथ कॉल टू एक्शन और इमेजेस साइज, और ऐसे बहुत से फैक्टर्स आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में करने होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्हीं को बोला जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि हम समझ गए कि आखिर में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है और किन्हें बोला जाता है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाई इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट, क्यों कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। कंटेंट मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट अगर हम इसे नहीं करते, क्योंकि आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पसंद नहीं आता और नए ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस चीज के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सही तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारा जो कंटेंट बनाने की जो मेहनत है वो सही ऑडियंस तक पहुंच पाएगी और ज्यादातर नए नए लोगों तक हमारे कंटेंट के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ आपको इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सर्च बेस्ड क्वेरी जो भी आती है वो लोगों तक फाइंड नहीं करते हैं। बहुत से लोग जो है पावरफुल लोग जो हमेशा कंटेंट को ढूंढते रहते हैं, अच्छे कंटेंट यहाँ पे चाहते हैं विदाउट डायरेक्टली सेंड करे कोई पर्सन, वो चाहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया से मिल जाए, विदाउट एड्स के थ्रू यहाँ पे कंटेंट मिल जाए। तो इसके थ्रू हमें भी अगर सही कंटेंट हम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिना एडवर्टाइजिंग किए या बिना सोशल मीडिया की हेल्प से हम चाहते हैं कि नए कंटेंट देखने के लिए हमारे कंटेंट के लिए नई ऑडियंस पहुंच सके, तो आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे अगर और सिंपल वे में समझा जाए तो कंटेंट मार्केटिंग में एक बार आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाए तो सर्च इंजन आसानी से आपकी वेबसाइट को ढूंढ के या आपके ब्लॉग को ढूंढ के इंडेक्सिंग कर सकता है और उसे सर्च इंजन पेज में दिखा सकता है। तो इसलिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जब ये ऑप्टिमाइज करते हो कंटेंट को तो सर्च इंजन से लोगों को पहुंचता है
है, और एक पोटेंशियल कस्टमर आते हैं जो आपके जैसी चीजों को ढूंढना चाहते हैं या जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो समझना चाहते हैं। तो इस तरीके से फोर इंपोर्टेंट कीज होती है कंटेंट ऑप्टिमाइज करने की जो हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो फर्स्ट है एट द राइट कीज टू ऑप्टिमाइज, आपको हमेशा राइट कीज को ऑप्टिमाइज करते रहना है, साथ ही साथ आपको एड करना है क्वालिटी जो भी आप कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 100% अपना यूनिक कंटेंट यहाँ पे देना होगा, और आपको रिटेबल और विजुअल इंटीग्रेंट्स यहाँ पे डालने होंगे जो विजुअल तरीके से कंटेंट को दिखाए और एक सही तरीके से रिटेबल कर पाए और इजीली तरीके से ये सभी इंपोर्टेंट टिप्स की हेल्प लेके आप कंप्लीटली यहाँ पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ। अब किस तरह से हमारा कंटेंट जब कंप्लीट हो जाता है ऑप्टिमाइज हो जाता है, अब हम कैसे इसको अपने एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज कर सके, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे कंटेंट के लिए। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जब भी हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं तो वो रैंकिंग पर एक प्राइमरी रीजन से आगे आ जाता है एज ए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद। साथ ही साथ हम जब भी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें हमारे एसईओ के लिए, तो जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए कुछ स्टेप की हम हेल्प लेते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली तरह से समझ पाएंगे कि हमारे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को किस तरह से हम एसईओ के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम ये भी समझेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी चीजें समझने के बाद हमने जैसे समझा कि किस तरह से हमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को लेके आना चाहिए, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि आपको हमेशा सर्च इंजन पर रैंक करना चाहिए, जिसे हम SERPs बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपका कंटेंट रैंक होना चाहिए। साथ ही साथ आप लिंक की हेल्प ले सकते हो, अलग अलग लिंक से आप चाहते हैं तो कम्प्लीटली यहाँ पर सही चीजें कर पाएंगे और इजिली तरीके से आपका सही कॉन्टेंट लोगों को या आपकी ऑडियंस को एजुकेट कर पाएगा। इस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ एक सोशल इंगेजमेंट ड्राइव हो जाती है यहाँ पर, और इजिली तरीके से आपकी लीड जनरेशन भी यहाँ पे बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा लीड जनरेट होगी उतना ही आपकी सेल्स में ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ आपके ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। ये साथ ही साथ एक फनल्स ऑफ लीड जो है इसमें इंक्रीज होने लगती है, और इजिली तरीके से बहुत सी चीजें जो है कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में होने लगती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो इजिली तरीके से इसे कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हम बोलते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि किस तरह से क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस तरह से हम इसको इजिली तरीके से समझ सकते हैं हमारे एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च, किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हमारे एसईओ के लिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है सही टारगेटिंग कीवर्ड की। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट कीवर्ड क्या है और कम्प्लीटली समझना होगा, क्योंकि सही कीवर्ड रिसर्च हमें ट्रैफिक पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ हमारे इसको कंटेंट को रैंक कर सकता है, और इजीली तरीके से अगर हम बोले तो सजेस्ट भी करता है कि कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम यहाँ पर कीवर्ड सुटेबल होगा हमारे कंटेंट के हिसाब से, और कीवर्ड आइडियाज जो है उनकी टूल्स की हम हेल्प ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कुछ सही कीवर्ड डालकर, और एक सही लिस्ट में हम रिलेवेंट कीवर्ड्स लगा सकते हैं, और एक पोटेंशियल वैल्यू में हमें एसईओ डिफिकल्टी तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें हमें यहाँ पे कंप्लीटली समझना होगा कि किस तरह से जब भी हम अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ के लिए करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के टाइम पे ऐसी बहुत सी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जो सही कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके एसईओ के लिए, और एक पोटेंशियल वैल्यू आपके लिए यहाँ पे सही इंक्रीज होने लगेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं और एसईओ के लिए करते हैं, तो एक सही कीवर्ड रिसर्च होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च। सेकेंड हमने ये समझा कि किस तरह से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करें, तो इसके बारे में समझते हैं। जब भी हम कीवर्ड्स डालते हैं और इस टाइम हम ये देखते हैं कि करेंटली गूगल पर रैंकिंग क्या हो रहा है, जब भी हम अपने कीवर्ड डालते हैं या हम उससे कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे जब गूगल पर सर्च करते हैं तो देख सकते हैं कि रैंकिंग कौन सा कर रहा है करेंटली गूगल पे, और साथ ही पार्टिकुलर हमें इस नीड को शेयर करता है कि हमारा जो कंटेंट है किस प्रकार से अलाइन हो रहा है और साथ ही यहाँ यूजर को किस प्रकार से सर्चिंग कर रहा है। तो चलिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इसे एनालाइज कर सकते हैं और टॉप रैंकिंग रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमें इसे ओपन करना होगा और इसे देखना होगा कि कौन सा कॉम्पिटिटर जो है हमारे जैसे कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा है या हमसे डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम यहाँ पे कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज के एसईओ के लिए करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप पेज टाइप देख सकते हैं कि उनका पेज टाइप किस प्रकार का, ब्लॉग पोस्ट है या ई कॉमर्स पेज है या कुछ और अलग तरीके का, सामने वाले कॉम्पिटिटर ने डिफरेंट तरीके का पेज बनाया है, इसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। देन इजीली तरीके से आप फॉर्मेट देखिए कि उनका लिस्टेगल फॉर्मेट किस प्रकार से वो किसे गाइड कर रहे हैं और किस प्रकार से वो रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जब भी कंटेंट देखें तो उनके कंटेंट को देखिए कि किस प्रकार से उनके टॉप पेजेस पर क्या लिखा हुआ है, सेम थिंग्स क्या चीज लिखी हुई है, और वो किस प्रकार की सभी टॉपिक्स को सिमिलर वे में लिख रहे हैं, किस तरह के कॉन्टेंट लोगों को दे रहे हैं। इस तरीके का आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी और ज्यादा बढ़िया तरीके से रिसर्च
सर्च कर पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम कंप्यूटर को एनालाइज कर पाएंगे और सही तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेट कीवर्ड्स इनटू योर कंटेंट। किस प्रकार से अपने कंटेंट के लिए हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कीवर्ड, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यही टाइम होता है जब आप एडिट करते हो, अपने कॉन्टेंट को अलाइन करते हो गूगल में, वही प्रिफर्ड फॉर्मेट आप यूज करते हो, तो आपको मेक्श्योर होना चाहिए कि किस प्रकार का कीवर्ड्स आप अपने कॉन्टेंट के लिए लगा रहे हो। तो आपके कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको यू शुड इंक्लूड कीवर्ड्स इन दी पेज। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पेज के लिए कौन से कीवर्ड होने चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि हम टाइटल की बात करें कि किस तरह का टाइटल होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के टाइटल्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है टाइटल टैग बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके पेज या पोस्ट के टाइटल को दर्शाता है और साथ ही साथ ये पेज के एचटीएमएल कोड के हेड में होता है। ये सर्च रिजल्ट पेज पर आपके सबसे पेज के सबसे ऊपर में हिस्से में दिखाई देता है। जो टाइटल टैग जो हम बोलते हैं, जिसे कॉन्साइंस बोल सकते हैं, जो रिलेवेंट होता है और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। एसईओ एक्सपर्ट भी यही बोलते हैं कि एक बढ़िया टाइटल टैग में कम से कम 50 से 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये पेज में दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होना चाहिए और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड टाइटल टैग की शुरुआत में होने चाहिए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और मेटा डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ये पेज जानकारी प्रोवाइड करता है जो गूगल सर्च रिजल्ट पर टाइटल टैग के नीचे दिखाई देती है। यह आपके पेज में दी गई इन्फॉर्मेशन का एक कम्प्लीटली समराइज बोल सकते हैं, जिससे यूजर्स को आभास हो जाता है कि आपके पेज पर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई यूजर्स जो होता है कीवर्ड से इन्फॉर्मेशन लेता है तो सर्च इंजन पर उस कीवर्ड से रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन को देखता है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में कम से कम 150 कैरेक्टर्स रखें। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं मेटा कीवर्ड्स के बाद में। अब जैसे कि हम बात करते हैं कुछ H1 टैग्स होते हैं जिनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए और साथ ही साथ समझना चाहिए कि किस तरह का हम हेडलाइन टैग लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम इमेज एल टैग का यूज कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली कॉन्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके थ्रू कोई पर्सन अगर उस इमेजेस को सर्च करेगा तो आपका कॉन्टेंट सर्च होने लगेगा। तो इजिली तरह से इमेज टैग अल्ट टैग होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नेचुरली तरीके से यहाँ पे इंक्लूड करते हो मेन रिलेटेड कीवर्ड्स को या साथ ही साथ उसको कॉपीज करते हो, तो आपको केयरफुली तरीके से ध्यान रखना है कि कीवर्ड स्टाफिंग किस प्रकार से हो रहा है, कीवर्ड स्टाफिंग किस प्रकार से आप कर सकते हो अपने बेस पेज के लिए और साथ ही साथ स्पेसिफिक टर्म कैसी आप बना रहे हो। ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रिबल यूजर एक्सपीरियंस होता है, जो आपके रीडर्स के लिए और साथ ही साथ आपके जो भी फ्रेज होते हैं उन सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पर्सनलाइज की जाती है गूगल के द्वारा। तीन सभी चीजों का ध्यान रखना एज ए इंटीग्रेट कीवर्ड्स करना आपके कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन सभी कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे फर्स्टली होता है टाइटल टैग, सेकंड हो जाता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ मेटा कीवर्ड्स, फिर H1 टैग। इस तरह की चीजों को आपको कंप्लीटली समझना है और इंटीग्रेट करना है सही कॉन्टेंट में कीवर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 8 इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। अक्सर बात की जाती है जब भी हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं हमारे एसईओ के लिए, तो हमें यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो क्रिमिनली तरीके से बोले तो वो किस प्रकार से आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को सही तरीके से ओवरलुक कर सकती है। साथ ही साथ इंटरनल लिंक जो है आपकी साइट पर किस प्रकार से ज्यादा लोगों तक एक बूट या क्रॉवल कर सकती है, क्योंकि हम कम्प्लीटली समझ सकते हैं कि लिंक ऑथोरिटीज हम कैसे समझ पा रहे हैं, हमारे पेजेस को हम कैसे दे रहे हैं। तो इंटरनल लिंक जो होती है वो पूरी तरह से इजियर होती है ह्यूमंस को नेविगेट करने के लिए, हमारी साइट तक लेके आने के लिए, साथ ही साथ उसे ऑप्टिमाइज करती है सही पेजेस को। और जिस प्रकार से हम साइट पर अपने इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक को कॉपीज करते हैं, यहाँ पर हमारे पेजेस के बारे में श्योर होना चाहिए कि लिंक बैक तो नहीं हो रही और साथ ही साथ आप किस प्रकार से अपने पेज पर ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। तो ऐड कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की। अब जैसे हम बात करें इंटरनल लिंक क्या होती है, तो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में लगाया, तो इसे एक डोमेन का ही हमने लिंक लगा के अपने डोमेन में लगा दी ईबी में, तो इसे इंटरनल लिंक बोलते हैं। एक्सटर्नल लिंक की हम बात करें तो हम किसी और अदर लिंक्स को लेके आते हैं हमारे लिए कंटेंट में, तो इस प्रकार के हम यहाँ पर डोमेन 1 से लेके डोमेन 2 में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे काम करती है। तो इस तरह की लिंक लगाना एज ए कंटेंट ऑप्टिमाइज करना हमारे एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। किस प्रकार से हमारे कंटेंट को हम स्टाइल तरीके से और रीडेबिलिटी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले हमने जाना था एसईओ में किस प्रकार से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सही स्टाइल में और एक रीडेबिलिटी में जो लोगों को पढ़ने में आए और एक सही तरीके से लोगों के सामने हमारा कॉन्टेंट शो हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखना होगा कि हमारा कॉन्टेंट कैसा इंप्रूव हो रहा है, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी हो जाता है सही रैंक करने के लिए
आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी आता है कि कितना रीडर्स हमारे इस कंटेंट को टाइम दे पा रहा है रीडिंग करने के लिए। उसी सेम टाइम्स को हमें रीडर्स को एंगेज करना होगा और सही कंटेंट उन्हें देना होगा जो बढ़िया तरीके से हमारे गूगल पर रैंकिंग कर पाए। तो इसी तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम इसे कैसे कॉन्टेंट को सही स्टाइल और रेबिलिटी में कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर सही तरीके से हमें स्टाइलिस और क्रिएटिविटी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपका कंटेंट की स्ट्रीम कॉन्शियस होनी चाहिए और साथ ही साथ केयरफुल और स्टेकल होना चाहिए जो इजी टू स्कैन कर सके और ज्यादा नए नए इन्फॉर्मेशन को दे सके और कम्प्लीटली ये कॉन्टेंट का एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि अगर आप कॉन्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हो और विजुअल कॉम्प्रेशन इजिली तरीके से डन करते हो तो यहाँ पर सही स्टाइल में रियलिटी तरीके से काम करती है। आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट को एड करना होगा। अक्सर आपने देखा होगा किसी ब्लॉग पोस्ट को या फिर किसी वेबसाइट पर भी देखा होगा किस प्रकार से टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं और बताया जाता है कि इस कंटेंट में हम ये टेबल ऑफ कंटेंट जानेंगे। फर्स्टली हम जानेंगे कि क्या डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम बात करें किसी टॉपिक पे तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट जो होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से स्टाइलिश प्रोवाइड करते हैं और एक रीडेबिलिटी होती है जिससे जिस इन्फॉर्मेशन को लेना है वो इजिली तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट में जाके और समझ सकता है। आपको यूज बुलेट पॉइंट का यूज करना है, जो नए पैराग्राफ पर आपको बुलेट लगाने जिसके थ्रू ज्यादा हेडलाइन जो होगी जो इम्पोर्टेंट जो होगी अगर ब्लेड के थ्रू आप लगाते हो तो इजिली तरीके से लोग नए ऑडियंस को पढ़ने में आता है और इजिली तरीके से लोगों को समझ में भी आता है। साथ ही साथ आपको हेडलाइंस और सब हेडलाइंस का भी यूज करना चाहिए। किस तरह से आपके मेन हेडलाइन क्या है, सब हेडलाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर आप स्टाइलिश और रीडेबिलिटी कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो और आपको यहाँ पे एक टेक अवे सेंटेंस लेना होगा जो एंड ऑफ सेक्शन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सभी चीजें आप कंप्लीटली कर सकते हो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए सही स्टाइलिश वे में बनाने के लिए जिसके थ्रू आपका रिजल्ट ज्यादा मैक्सिमाइज हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें कि हम कम्प्लीटली एड इमेज एंड अदर मीडिया की बात करें। अगर हम सही तरीके से हमारे कंटेंट को स्टाइलिश और रीडेबिलिटी करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हमें उसमें एड इमेजेस करनी होगी और अदर मीडियाज को एड करना होगा। तो अनदर वे में अगर इम्प्रूव चाहते हैं हमारे कंटेंट स्ट्रक्चर को, जैसे इमेजेस या वीडियोस हमारे कंटेंट में हम डालते हैं तो मिक्सर करना होगा जो इमेजेस है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट इमेजेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉपीराइट इमेजेस डालोगे किसी और अदर पर्सन की कंपनीज का लोगो लगा हुआ या इस प्रकार की अगर आप कॉपीराइट इमेजेस डालते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी इमेजेस रिलेवेंट होनी चाहिए और जो भी आप कंटेंट ऐड कर रहे हो वो दूसरे वर्ड्स के साथ और स्टॉक फोटोज लिमिट ऑफ यूज करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एड इमेज तो करना ही है और इम्प्रूव करना है एसईओ को, जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, जो रिच डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स और साथ साथ एल टैग का आपको ऑल ऑफ देम सभी चीजों का फुलफिल यूज करना है जो आपके कीवर्ड्स को केयरफुल तरीके से स्टाफिंग करते हैं। तो इजिली तरीके से हम एड इमेजेस लगा पाएंगे और अदर मीडियाज में सभी चीजें कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑप्टिमाइज फॉर रीडेबिलिटी, किस प्रकार से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे रीडेबिलिटी के लिए। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके यूजर्स स्पेंड करते हैं आपके वैल्यूएबल रीडिंग कंटेंट के लिए तो आपको एक सही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिक्सर होना होगा कि किस प्रकार से आप एक ग्रेट एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हो, आपकी ऑडियंस को दे सकते हो। तो इसके बारे में आपको समझना होगा। लॉट्स ऑफ वे है जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलने वाला हूँ। तो ये है यूज स्पेलिंग चेकर टू एलिमिनेट एरर्स। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कंटेंट यहाँ पे बनाते हैं और अक्सर क्या होता है कि स्पेलिंग चेंजेस हो जाती है या फिर स्पेलिंग थोड़ी मिसलिंग हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं और उसकी स्पेलिंग अगर सही नहीं है तो यहाँ पे सामने वाली ऑडियंस को यहाँ पे इफेक्टिव जो है पूरी तरह से बुरा पड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं एरर्स को, तो आपको स्पेलिंग चेकर पे जाना चाहिए और स्काइट की हेल्प लेनी चाहिए। साथ ही साथ एलिमिनेट करिए आपकी जो फुलफिल क्लिकिक्स है या फिर आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं दैट, इन सभी चीजों को एलिमिनेट आपको करना होगा। साथ साथ आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखना होगा और साथ ही जो भी आप चीजें कहने वाले उसको एक शॉर्ट सेंटेंस में जरूर कहिएगा जिसके थ्रू लोगों को जब भी आपकी कंटेंट को पढ़े तो आप अगर शॉर्ट सेंटेंस बोलोगे तो लोग समझ में आया कि कंटेंट आप किस प्रकार का दे रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक के ऊपर आप दे रहे हो। साथ ही साथ आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो लेंथ होना ही चाहिए, बट वो कभी भी कॉपीज नहीं होना चाहिए, मोटोनस नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको कॉन्टेंट जब भी आपको लिखना है तो आपको एक इंगेजिंग टोन यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खड़ी लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं या फिर आप अदर ही ज्यादा ही एजुकेशनल वाली या फिर आप बोल सकते हैं ज्यादा ही हिंदी वाली या फिर हम बोल सकते हैं जो अपर लेवल की आप कर रहे हैं टोन उसका यूज ना करें बिल्कुल भी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार से आप इंगेज कर सकते हैं, इंगेज वाली टोन्स आपको लेके आनी है जिसके थ्रू यहाँ पर रीडेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा रीडेबिलिटी बढ़ने से आपकी ऑडियंस आपकी लीड आपको जनरेट होगी और लीड जनरेट होने से आपकी सेल्स ग्रोथ होगी और इजिली तरीके से आपका कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज होने लगेगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अभी हमने यहाँ पे समझा कि हम रीडेबिलिटी कैसे कर पाएंगे, अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि ऑप्टिमाइज कंटेंट हम कन्वर्सेशन के लिए कैसे कर पाए। अगर हम सही कन्वर्सेशन करना चाहते
चाहते हैं हमारे कंटेंट के साथ में, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट कन्वर्ट करता है सही चीजों को, अगर आप क्रिएट करते हो अच्छे कंटेंट को कन्वर्ट करने के लिए, तो कन्वर्सेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आपको ध्यान रखने की कैसे हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारे कॉन्टेंट कन्वर्सेशन को, तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट है टारगेट कॉमर्शियल कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स। आपको हमेशा कॉमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट करना है और एक सही टॉपिक्स यहाँ पर लेके आना है। तो कहा जाता है अगर आप चूज करते हो सही टॉपिक को, फर्स्ट स्टेप में आप ड्राइविंग सेल करना चाहते हैं, अपने कंटेंट के थ्रू सेल्स को लेके आना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि आप जो भी एसईओ लगा रहे हैं वो मेक श्योर कीजिए वो कीवर्ड्स के हिसाब से टारगेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आप जो भी सजेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं और जो भी रिसोर्सेज की आप हेल्प ले रहे हैं वो आपके सुटेबल टॉपिक को फाइंड आउट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इस तरीके का आपको टारगेट कॉमर्शियल कीवर्ड्स की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ साइट्स हैं, जैसे रेडिट पर जाके आप इजीली तरीके से कॉमर्शियल कीवर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, क्वेरा पे जाके आप देख सकते हो, एलेक्सा पे जाके देख सकते हो, बुच सोमो है, साथ ही साथ ये अलग अलग और भी आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे जिनके आप हेल्प ले सकते हो, और कॉमर्शियल टूल्स या कीवर्ड्स हम बोल सकते हैं जिनके आप हेल्प ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट है बी प्रोसेसिव। हमेशा आपको हमेशा प्रोसेसिव होना है, और प्रोसेसिव हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सर्वल प्रोसेसिव स्ट्रेटेजी हो जिनका आप यूज कर पाए, कॉपी कर पाए, उनको इंटेक्टिंग तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सी चीजों को, जैसे हम प्रोसेसिव कैसे कर सकते हैं, तो आपको सोशल प्रूफ एड करना होगा रियल लोगों के साथ में जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उनके साथ आपको प्रोसेसिव उनकी इमेजेस आपको लगाना चाहिए जिसके थ्रू कोई भी नई ऑडियंस देखती है तो उस पर एक बढ़िया इफेक्ट पड़ता है और वो आपके कंटेंट से बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपको फ्रेंडली टोन का यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके लीडर की गुड साइड से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हायर चांस होगा आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ना पसंद करेगी और आपकी सेल्स भी ग्रो होने लगेगी। साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट किस प्रकार से किस स्टडी दे रहे हैं ये सभी चीजें आपको शो करना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने कॉन्टेंट में बात करें तो एक सही स्टडीज के थ्रू समझाइए जिसके थ्रू एक बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है। साथ ही साथ प्रिसेशन की हम बात करें तो एक कैसे आता है, तो एक आइडिया से आता है, एक इन्फ्लुएंस करने से आता है, एक सही डिस्कशन करने से आता है, एक सही कम्युनिकेशन करने से लेकर एक एडवाइस देने से लेकर सही लीडरशिप के साथ में प्रोसेसिव काम करता है। तो आपको भी एक सही प्रोसेशन के साथ में काम करना है और इजिली तरीके से कन्वर्सेशन को ऑप्टिमाइज करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्रूव योर सीटीए। अगर हमें कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है हमारे कन्वर्सेशन के लिए तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कि आपको अपने सीटीए को इम्प्रूव करना होगा। सीटीए मतलब क्लिक थ्रू रेट की बात कर रहे हैं या क्लिक टू एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि एवरी पीस ऑफ अगर हाई कन्वर्टिंग हम चाहते हैं कॉन्टेंट को चाहते हैं, एटलीस्ट कॉल टू एक्शन को हम जहाँ चाहते हैं, तो आपको कुछ फॉर्म्स का यूज करना चाहिए जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं चीजों को, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, या आपके कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि आप प्रमोट अ फ्री ट्रायल इस प्रकार की सीटी का यूज कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन होती है। साथ ही साथ आप इस प्रकार के कंटेंट में लिख सकते हैं आप प्रमोट कीजिए फ्री ट्रायल को, इनक्राउज ईमेल साइनअप्स आप चाहते हैं इनक्राउज करना लोगों को ईमेल साइनअप्स के लिए बोल सकते हैं, एड लिंक्स टू रिलेवेंट प्रोडक्ट आप रिलेवेंट प्रोडक्ट की लीड लिंक्स लगा सकते हैं, तो इस तरह का यहाँ पे सीटी की आप हेल्प ले सकते हैं और जिसके थ्रू एक बढ़िया कंटेंट आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है, चाहे वो कंटेंट हो तो या कन्वर्सेशन हो। तो इजिली तरह से सभी स्टेप का यूज करके आप कंप्लीटली सही तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा किस प्रकार से कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, साथ ही साथ क्यों कॉम्पिटेंट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है और किस प्रकार से हमारे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसी के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि स्टाइल एंड रीडेबिलिटी के लिए किस तरह से हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कन्वर्सेशन के लिए कैसे हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम अपना कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। आई होप कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे। बी सी एल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।